Example 2.13. Each side of a cube is measured to be, let's assume side A is equal to, value is given 7.203 meter. What are the total surface area and volume of the cube in appropriate significant figures? So significant figures की यहाँ पे बात करें तो इस given साइड के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दे आर 4. तो हमारे पास जो फाइनल आंसर जो आना चाहिए वो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में ही हो. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक साइड का हमारे पास कितना होता है, ए स्क्वायर. तो हमारे पास क्यूब के लिए 6 साइड्स होती है, 6 ए स्क्वायर. तो 6 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 7.203 मल्टीप्लाइड विद 7.203. अगर यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 51.883209. अब इसके बाद आप आगे और मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हमारे पास आएगी 311.299254. और राउंड फिगर में अगर हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लाना चाहते हैं तो सिग्निफिकेंट की फिगर्स की संख्या हमारे पास राइट नाउ कितनी है, 4. तो इसको हम लिख सकते हैं 311.3 और एरिया है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर. इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में. तो वॉल्यूम एक क्यूब का क्या होता है, एक क्यूब यानी कि 7.203 का क्यूब. तो दो बार मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू आती है 51.8. तो यानी कि 7.203 को मल्टीप्लाई करना है 51.883209 से. और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 373.714754. और हम इसको भी राउंड ऑफ अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू बचती है चार सिग्निफिकेंट फिगर में 373.7 और वॉल्यूम है तो हमारे लिए मीटर क्यूब.